जय हिंद एवरीवन, मेरा बात ध्यान से सुनना। इस बार फेक डोमिसाइल लेके आसाम में मत आओ, क्योंकि इस बार ऐसा होने वाला नहीं है जो तुम सोचा। यूपी बिहार राजस्थान कैंडिडेट जो आसाम के आकर एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, बाद में तुम लोगों सोचा मैं फिजिकल देने जाऊंगा नौकरी मिल जाएगा, ऐसा मत सोचो। नौकरी भी नहीं मिलेगा, नौकरी तो कभी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। इस बार तुम लोगों को पकड़ जाओगे, बाद में तुम लोगों को जेल भी भेज देगा। दो तीन आदमी को अभी तक जेल भेज दिया बिचुन, क्योंकि इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। आसाम को एक एक कैंडिडेट और जो लोकल पुलिस एक साथ हो चुका हो, तुम लोगों को जो जो स्टेट पे हो वहाँ पे देना रिक्रूटमेंट। आसाम में मत आओ, इस बार ऐसा होने वाला नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैं आसाम से पास हो जाऊंगा, ऐसा मत सोचो। इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। एक एक कैंडिडेट माने अलर्ट मोड में है, जो तुम पिछले 3 साल से करके आ रहे हो, ऐसा होने वाला नहीं है इस बार। और वहाँ पे तुम लोग बहुत अलर्ट हो चुका है जो फिजिकल होना है, वहाँ पे तो बहुत अलर्ट, वहाँ भी पुलिस भी अलर्ट हो चुका है। तुम लोग जो दूसरा स्टेट का हो आसाम में मत आओ, क्योंकि इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। तुम लोग सब पकड़ जाओगे, बाद में जेल जेल भेज देगा वो लोग। ऐसा करने के तुम लोग का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, एक नौकरी के लिए तुम लोगों को पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तुम लोग ऐसा मत करो, आसाम में मत आओ, क्योंकि इस बार ऐसा होने वाला नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मैं नौकरी मिल जाएगा, नौकरी इस बार तो नौकरी मिल जाएगा, काटअप ज़्यादा नहीं जाएगा आसाम में। तुम लोग ऐसा सोच के लाइफ बर्बाद मत करो, क्योंकि इस बार जो जो मेरा इंफॉर्मेशन में वहाँ पे आसाम में हूँ, आसाम का, इसलिए आसाम को तुम लोगों को सावधान करके दे रहा हूँ। क्योंकि इस बार जो जो आएगा जेल जाएगा, बाद में तो बहुत कार्रवाई होगा तुम लोगों के ऊपर। तुम लोग इसलिए जो जो स्टेट में हो वहाँ पे देना भर्ती, इस बार आसाम में मत आना। आ जाओगे तो तुम लोगों को लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तुम जो जो जिसको विश्वास नहीं हो रहा, तुमको आके देखो, आने के बाद पता चलेगा क्या होगा तुम लोगों को साथ। तुम कल्पना भी नहीं कर सकता ऐसे होगा तुम लोगों के साथ, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी तक टाइम में तुम लोग मत आओ आसाम में, आसाम के आने के कुछ फ़ायदा नहीं होगा तुम लोगों को, लेकिन वो होगा तुम लोगों को लाइफ बर्बाद हो जाएगा। फ़ायदा तो कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को, लेकिन लाइफ बर्बाद हो जाएगा तुम लोगों को। बात ध्यान में रखना, तुम लोग जो यूपी बिहार राजस्थान का कैंडिडेट है।